कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और मेरे प्रोग्राम लबों से दिल तक का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ, हमारे पास टाइम की जो लिमिट है वो इतनी शॉर्ट क्यों होती है भाई? आज के टाइम में ना आप किसी से भी पूछ लो कि आपके पास किस चीज की कमी है, तो वो बोलेंगे टाइम या फिर पैसों। यही दो जवाब आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे कि टाइम या फिर पैसा। ये दोनों चीज जो है लोगों के पास बहुत कम नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइम जो होता है ना, वो हमारी वजह से ही कम होता है हमारे पास। कुछ हमारी ऐसी गलतियां होती है ना जिसमें हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है। उनके बिहाइंड आपको मैं कुछ रीजन बताऊंगी। अगर आप भी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो आप कभी नहीं कह सकोगे ये बात कि हाँ हमारी लाइफ में भी टाइम की कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ प्लानिंग। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपना, मतलब कि हम अपने ना टाइम को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते। अगर हमें कहीं ऑफिस पे 8 बजे पहुंचना होता है ना, और हमारी मेट्रो या फिर हमारी बस हमारी इस टाइम की है, हम उस बस को मिस कर देते हैं कई बार। और फिर जो हमारा जो पूरे दिन का जो लाइफ शेड्यूल होता है, पूरे दिन का जो डे शेड्यूल होता है कि हमें क्या क्या काम करना है और किस टाइम करना है, वो हमारा गड़बड़ी में हो जाता है। गड़बड़ी में इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमारा पहला ही काम सही से नहीं हुआ, हमारी जो पहली जो टाइम मैनेजमेंट की जो सीमा थी वो सही से नहीं हो पाई, तो आगे जाकर हम मतलब अपने टाइम को जो है वो वेस्ट ही करते आ रहे हैं। सेकंड, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने टाइम को ना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। कई बार होता कुछ ऐसा है कि हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हाँ इस टाइम ये चीज होगी और इस टाइम ये चीज होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम वो काम नहीं कर पाते। कई बार ये भी हो जाता है कि हम अपने जो टाइम का जो शेड्यूल होता है पूरे दिन का, हम उसको लिख लेते हैं, और कई बार जैसे हम कोई चीज है जैसे चाबी है, हम उसको सही जगह पर नहीं रख पाते और फिर हम उसको ढूंढने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब वो जो चीज है ना, वो ऑर्गेनाइज नहीं रखी होती। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा से बोलते हैं कि अपनी चीज को सही जगह पर रखो, जो चीज तुमने जहां से उठाई है तुम वही रखो, लेकिन वो बात हमें उस टाइम समझ नहीं आती। लेकिन जब एट द लास्ट मोमेंट हमें वो चीज नहीं मिलती, तो हमें याद आता है कि अगर हम इस चीज को उस जगह पर रख लेते तो काश हमारा ये टाइम वेस्ट ना होता और हमारा जो प्रॉपर शेड्यूल है वो बिल्कुल सही चल रहा होता। जी हाँ दोस्तों, थर्ड चीज है टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ। जी हाँ दोस्तों, टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ, मतलब हम ना दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना ज्यादा वो करते हैं कि हाँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, हम ना ये चीज ज्यादा करते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? हमें कोई फायदा होने वाला है इस चीज से? हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि हमारा जो टाइम है उनकी बातें करने में उसी में ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें दूसरों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। उसके बाद बात आती है काम को टालना। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी कल की मीटिंग है या फिर किसी पर्सन को हमने कल इंटरव्यू के लिए बुलाना है या फिर हमने कल किसी पर्सन से मिलना है, तो हम ये सोचते हैं कि हम आज नहीं हम कल मिल लेंगे, कल नहीं हम परसों मिलेंगे। यानी कि हम अपने काम को टालते रहते हैं कि आज नहीं करना तो हम कल कर लेंगे, कल नहीं करना तो हम परसों कर लेंगे। ऐसे हमें अपने टाइम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए यस टीवी। थैंक यू।